ऐसे संसार में जहां भौतिकता सर्वोपरि है तथा बाहरी चमक दमक से मन अभिभूत तथा उस पर मोहित हो जाता है, निर्विवाद रूप से प्रमाणित एवं स्पष्ट मामलों में संदेह के द्वार खोल दिए गए हैं। नास्तिकता की लहरें इस्लामी दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देने लगी हैं और अपने प्राचीन हथकंडे व परपंच की पुनरावृत्ति करते हुए मुस्लिम युवाओं को निशाना बना रही है। क्या अल्लाह मौजूद है, जबकि सर्वशक्तिमान अल्लाह का अस्तित्व तथा अपनी सृष्टि का पालनहार होना किसी भी यथार्थ से अधिक प्रकट है, किसी के अस्पष्ट करने से अधिक अस्पष्ट है। शरई अर्थात धार्मिक एवं ब्रह्मांडीय प्रतीक उस सर्वोच्च अल्लाह के अस्तित्व के अस्पष्ट प्रमाण हैं। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के भीतर जो आत्म त्रुटि व कमी होती है वह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है। वह पाक व पवित्र है। यह सहज त्रुटि एवं कमी विपत्तियों और आपदाओं के समय अस्पष्ट रूप से दिखता है। जहां मानव आवश्यक रूप से सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर मुड़ने, उससे प्रार्थना करने, उससे फरियाद करने एवं उसे पुकारने के सिवा कोई मार्ग नहीं पाता। सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। स्वस्थ मन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक निर्माण का एक निर्माता, हर एक घटना के लिए उस घटना को अंजाम देने वाला अवश्य होता है। अतः सृष्टिकर्ता के बिना कोई रचना एवं घटना को अंजाम देने वाले के बिना उसका घटित होना असंभव है। सर्वशक्तिमान अल्लाह का फरमान है, अम खुलिकू मिन गैरी शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकु समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून। केवल यही दो संभावनाएं हैं, इसके सिवा किसी तीसरी संभावना का होना असंभव है कि या तो यह अद्भुत एवं संगठित रचना किसी निर्माता के बिना अस्तित्व में आए हैं तथा यह तर्क संगत रूप से असंभव है, या फिर यह कि इस रचना ने स्वयं अपने आप को तथा आकाश एवं धरती को उत्पन्न किया है और यह पहले वाले से भी अधिक असंभव है, और ऐसा दावा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अतः प्रमाणित हो गया कि इस ब्रह्मांड का कोई आविष्कारक एवं रचयिता अवश्य है, जो कि सर्वशक्तिमान व सर्वोच्च अल्लाह ही है, और जो भी आकाश एवं उसकी विशालता और उसमें सूर्य चंद्रमा सितारों और ग्रहों के बारे में और इस महान आकाश मंडल की नियमित व संगठित प्रगति तथा इसके सटीक प्रवाह के विषय में सोच विचार करेगा तथा पृथ्वी एवं अति सूक्ष्म व सटीक प्रणाली के अंतर्गत रात व दिन के होने के बारे में चिंतन मनन करे और एक ही पानी से सिंचित इसके विविध प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के पेड़ पौधे तथा विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को, जो स्वाद एवं आकार तथा रंगों में भिन्न होते हैं, और जो समुद्रों एवं इसमें विद्यमान विशाल लहरों, इसके अद्भुत एवं आश्चर्यजनक जीवों के बारे में सोचेगा, जो भी इन विषयों में सोच विचार करेगा उसे सृष्टिकर्ता के अस्तित्व तथा उसकी अपरंपार शक्ति के बारे में विश्वास हो जाएगा, क्योंकि वही सर्वोच्च अल्लाह है जो युग्शिल लैलन्नहार यतलुबुहु हतीसन वश्शम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह अला लहुल खल्कु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अतः हर दिल की धड़कन, प्रत्येक जीव की नैसर्गिकता, इंद्रिय प्रमाण एवं बौद्धिक दलील है। एक महान हकीम व तत्व ज्ञानी सृष्टिकर्ता के अस्तित्व की गवाही देती है, जो इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस अल्लाह की कैसे अवज्ञा की जाती है अथवा कैसे उसका इनकार किया जाता है, जबकि प्रत्येक गति तथा हरेक विराम में सर्वशक्तिमान अल्लाह के अस्तित्व की गवाही है, और हर चीज में उसके लिए एक संकेत है जो दर्शाता है कि वह एक अकेला तथा अद्वैत है।